दोस्तों, ये मेरे पास में एप्पल का मैकबुक एयर M1 जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेस करा है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। इस लैपटॉप को परचेस करने के बाद दोस्तों मैंने इसी लैपटॉप के लिए कुछ एक्सेसरीज भी परचेस करी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल एक्सेसरीज है, जिसका रिकमेंडेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इस वाली वीडियो के ऊपर, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों, लैपटॉप को परचेस करने के बाद ना बहुत सारी ऐसी यूजफुल सेटिंग्स होती है जो कि हमें इनेबल करनी चाहिए या फिर चेंज कर देनी चाहिए कुछ सेटिंग्स अपने लैपटॉप के अंदर, जो कि नए फीचर्स इनेबल कर देती है और आपके यूज को बहुत ज्यादा ईजी बना देती है। ऐसी कुछ 15 सेटिंग्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी और आपका बहुत टाइम सेव करेंगी आने वाले बहुत टाइम तक, जब तक आप मैकबुक को यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपके पास एक मैकबुक नहीं है, आप एक मैकबुक यूजर नहीं है, तो भी आप एंड तक देख सकते हैं नॉलेज के लिए। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कोई भी नया डिवाइस, भले वो लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो, सबसे पहले हमें उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे हम एप्पल लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर सिस्टम प्रेफरेंस पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को हम यहाँ पे चेक करेंगे और जो भी लेटेस्ट होगा, मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको इंस्टॉल जरूर से कर लीजिएगा और ये सारे ही बॉक्सेस आप चेक कर लीजिएगा, ताकि ऑटोमेटिकली लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपके मैकबुक में इंस्टॉल हो जाए। दूसरी सेटिंग दोस्तों हमें चेंज करनी है अगेन सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर ही, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन ट्रैक पैड का, जो कि यहाँ पे नीचे राइट साइड में आपको मिलेगा। ट्रैक पैड के सेटिंग के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रैक पैड की स्पीड चेंज करना है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि बहुत स्लो होती है, तो हमें इसको बीच में लाके खड़ा कर देना है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए तो फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो चाहिए स्लो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि इसको हम बीच में रखें कहीं पर और अपने हिसाब से इसको सेट कर दें। सेम जगह दोस्तों हमें टैप टू क्लिक के ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है, बिकॉज यहाँ पे मैकबुक में हमें फोर्स टच करना पड़ता है अगर हमें नॉर्मल एक क्लिक भी करना है तो यहाँ पे टैप टू क्लिक अगर आप विंडोज लैपटॉप से भी स्विच करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अब ये वाली सेटिंग है दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल है, यहाँ पे हमें सेम सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है, उसके बाद एसेसिबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है पॉइंटर कंट्रोल के ऊपर और यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ट्रैकपैड ऑप्शंस के अंदर थ्री फिंगर्स ड्रैग का। और बिलीव मी दोस्तों, मतलब ये सबसे ज़्यादा मैजिकल ऑप्शन है जो कि आप अपने मैकबुक में इनेबल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा काम आता है एंड आई होप कि आप भी इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। अब ये वाली सेटिंग है दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल, अगेन सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना है अगेन, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में हमें मिशन कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा और नीचे हॉट कॉर्नर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे। तो मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट्स लगा के रखे हैं। अपर लेफ्ट में मैं यहाँ पे लॉन्च पैड लगाऊंगा, उसके बाद अपर राइट में हम लोग मिशन कंट्रोल ही रखेंगे, नीचे की साइड डेस्कटॉप और राइट लोअर में हम लोग रखेंगे पुट डिस्प्ले टू स्लीप। और यही मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा कि वर्क कैसे करता है और आप भी अमेज्ड हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बस आपको क्या करना है कि अपने कर्सर को कॉर्नर में मूव करना है और जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना अमेजिंगली वर्क करता है ये, राइट कॉर्नर में करेंगे तो मिशन कंट्रोल आ जाएगा, जैसे कि मैं सिलेक्ट करा है। यहाँ पे आप मल्टीपल विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये फीचर। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम लोग अगर बॉटम में करते हैं तो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है अलग अलग विंडोज़ खुलने का, वो भी आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे राइट साइड का भी एक ऑप्शन मिलता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस में स्विच कर पाएंगे और राइट बॉटम कॉर्नर में हम लोगों की डिस्प्ले स्लीप में चली जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर्सर रखा राइट साइड। नेक्स्ट सेटिंग दोस्तों, हमें यहाँ पे फाइंडर के प्रेफरेंसेस में जाना है, एप्पल के लोगों के पास में जो फाइंडर है, उसके बाद में हमें जनरल पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन है जो कि हार्ड डिस्क बोलता है, तो हार्ड डिस्क का शॉर्टकट यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप डायरेक्टली अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट
नेक्स्ट सेटिंग दोस्तों है इनेबलिंग द फाइंडर स्टेटस बार। ये होता है फाइंडर, और अगर आप व्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन हाइड और शो करने का स्टेटस बार को। तो आप जैसे ही यहाँ पे शो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिटेल्स यहाँ पे नज़र आ जाती हैं आपको, कंप्यूटर में आपका कितना स्पेस खाली पड़ा है, कितने आइटम्स हैं इस फाइल के अंदर जो भी आपने पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है बहुत बार, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, आप इसको ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर दोस्तों एप्पल की आइकॉनिक्स टेक्स्ट सेटिंग्स, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर, मतलब डबल फिंगर क्लिक करना है, स्टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जैसे वीडियोस बिखरी पड़ी है बहुत सारी, तो वो सारी वीडियोस एक मूवीज़ फोल्डर के अंदर आ जाएगी, कैटेगराइज करके अपने आप बहुत ही अच्छे से एप्पल कर लेता है। तो बहुत यूज़फुल सेटिंग है ये। अब दोस्तों जैसे आपने फाइंडर स्टेटस बार इनेबल किया था, वैसे ही हम लोगों को सफारी स्टेटस बार भी इनेबल करने का है। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी फेवरेट वेबसाइट खोल लेता हूँ आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाने के लिए। जैसे मरीना मैंने यहाँ पे खोली है, इनेबल कैसे करना है, यहाँ पे सफारी हमारा खुला हुआ है वेब ब्राउज़र, उसके बाद में हमें जाना है यहाँ पे व्यू पे, यहाँ पे मिल जाएगा हाइड स्टेटस बार और शो स्टेटस बार का ऑप्शन। तो बेसिकली ये हाइड होता है ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ पे शो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे शो स्टेटस बार करके आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे कि लिंक्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, ताकि कोई स्कैम ना हो सके, कोई मतलब गलत वेबसाइट पे आप जा ना सके, आप पहले यहाँ पे लिंक वगैरह रीड कर सकते हैं। बहुत बार ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, और अगर आप टेक्निकल है थोड़े तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर से इनेबल कर लेनी चाहिए सफाई स्टेटस बार, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये भी। ये वाली सेटिंग भी दोस्तों सफारी की ही है। तो बेसिकली आपको सफारी ओपन करना है, और यहाँ पे सफारी प्रेफरेंसेस में जब आप जाएंगे एडवांस ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप ये बॉक्स देख सकते हैं शो डेवलपर मेन्यू इन मेन्यू बार, तो यहाँ पे इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। बेसिकली ये टर्न ऑफ रहता है सिस्टम जब आप कन्फिगर करते हैं अपना, बाद में इसको आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ता है जैसे कि मैंने किया। तो ये क्या करता है कि जो सोर्स होता है ना, यूट्यूब वीडियो चला रहे हैं आप भी और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, उसको आपको शो कर देता है। तो जैसे ही मैं टू फिंगर्स क्लिक करूंगा तो यहां पे मैं सोर्स देख पाऊंगा इस वीडियो का, जैसे YouTube में हमें चाहिए होता है कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं, तो वो मैं बहुत इजीली यहां पे देख पाऊंगा। मैं बस सर्च करूंगा कीवर्ड्स और ये मेरे को दिखा देगा कि ये कीवर्ड्स मतलब टैग्स यूज हुए हैं इस वीडियो में। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, मेरे लिए तो यूजफुल है और आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर डॉक एंड मेनू बार में जाना है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना शो रीसेंट एप्लीकेशन इन डॉक, जब आप नया लैपटॉप खरीदते हैं तो ये चेक्ड रहता है, मतलब जो भी आप रीसेंट एप्लीकेशन खोलेंगे वो आपकी यहाँ पे एक टैब के अंदर आ जाएगी, जब भी आप उसको बंद करते हैं यूज़ नहीं करते हैं तब भी शो करेगी, जो कि डॉक की जगह घेर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट सा लगता है और यूज़फुल नहीं रहता। तो इसको मैं हमेशा अनचेक्ड ही रहना पसंद करता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ इमीडिएटली, और ये आपको भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा जब आप इसको अनचेक कर देंगे। तो इसको ज़रूर से आप अनचेक कर लीजिएगा जैसे आप एक नया मैकबुक लेते हैं। फिर है दोस्तों डॉक की एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ करना। तो जब भी आप एक नया मैकबुक लेते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे डॉक के ऊपर लगी हुई आ जाती है, जो कि एक्चुअल में यूज़फुल नहीं रहती है, वो सिस्टम एप्लीकेशंस होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको सबको हटा देता हूँ, और आप भी अपने यूज़ के हिसाब से जो भी आपकी एप्लीकेशन हो जो कि आप डेली यूज़ करना चाहें वही डॉक के ऊपर रखिएगा फॉर अ क्लीन यूज़र इंटरफेस, और बाकी सारी आप कभी भी एक्सेस कर ही सकते हैं लॉन्च पैड में जाके। तो ये भी एक चीज़ मैं नया मैकबुक लेने के बाद करता हूँ। फिर दोस्तों आपको डॉक को रीसाइज करना है अपने चॉइस के हिसाब से। आप यहाँ पे लंबी सी वर्टिकल लाइन ये देख सकते हैं, आप जैसे ही इसको ड्रैग करते हैं बहुत ही सिंपल है, ये यहाँ पे रीसाइज कर दे रहा है डॉक को। तो मैं यहाँ पे बीच में रखना पसंद करता हूँ, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिस्टम प्रेफरेंसेस में दोस्तों अगेन यहाँ पे हमें डॉक सेटिंग में जाना है, डॉक एंड मेन्यू बार, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएगी अपनी डॉक की पोजीशन को चेंज करने के लिए।
तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और राइट ऑप्शन देखने के लिए भी मिल जाता है और बॉटम मिल जाता है। तो बेसिकली मुझे बॉटम वाला सही लगता है बिकॉज विंडोज़ लैपटॉप्स में स्विच करा है बहुत टाइम यूज़ करके, तो लेफ्ट और राइट मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन लेफ्ट और राइट ज़्यादा सेंस बनाता है बिकॉज बॉटम की आपकी जगह बच जाएगी एंड लेफ्ट और राइट इजीली एक्सेसिबल भी रहता है। तो यहाँ पे कोई भी आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेम मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइड करने का, जो आपकी मेन्यू बार है जो कि इस तरफ ऊपर आप देख सकते हैं। तो होम स्क्रीन पे आप जब भी होंगे ये हाइडेड रहेगी और जब भी आपको चाहिए तो बस अपना कर्सर उसके ऊपर रखिए और वो आ जाएगी, विजिबल हो जाएगी। सेम यहाँ पे डॉक के साथ भी हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली शो एंड हाइड डॉक का भी ऑप्शन है। तो दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं और एक बहुत ही क्लीन लुक दे सकते हैं आपके यूज़र इंटरफेस को। एंड दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स फॉर अ मैकबुक। दोस्तों ये थी मैक ओएस की कुछ 15 यूजफुल सेटिंग्स हैं। इनमें से ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स आप किसी भी मैक डिवाइस के लिए कंसीडर कर सकते हैं, भले ही आपका मैकबुक हो या फिर आई मैक हो या फिर आई मैक मिनी हो, सारी ही सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी ऑलमोस्ट हर डिवाइसेस में और बहुत ज़्यादा यूजफुल सेटिंग्स है। मेरी यहाँ पे फेवरेट जो थी वो है 3 फिंगर्स ड्रैग, उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव करता हूँ। उसके बाद हॉट कॉर्नर्स भी मेरी फेवरेट है। आप मुझे अपनी फेवरेट सेटिंग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो भी जरूर से फीडबैक दे दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो बहुत जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और फिर मैं आपसे मिलता हूँ।